गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि। आज मैं सुबह से बहुत बिजी थी क्योंकि आज हमारा लक्ष्मी पूजा होता है। रोजा तो खत्म हो गया है, कल ही खत्म हो गया है। मैं ना हमेशा काल बोलती हूँ तो मेरे हबी इतना हंसते, बोले काल क्या है काल, तुम तो एक नया वाड़ी नया वाड़ी यूज कर रहे हो, कल होता है कॉल ही होता है। पर पता नहीं, मैं बोलने के लिए जाती हूँ ना तो काल हो जाता है, तो कल ही हमारा रोजा खत्म हो गया था। और आज सुबह सुबह मैं लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत बिजी थी, तो पूजा तो सुबह ही हो गया। अभी ऑफिस जाने से पहले मैं आज पूजा करती हूँ। 8:30 तक मेरा पूजा खत्म हो गया था। फिर अभी के लिए एक भेज पुलाव और वो रायता बना के उनको दे दी। तो आज मैं ऐसे ही नॉर्मली हमारा लक्ष्मी पूजा में दाल चावल सब पूजा होता है, पर मैं आज बस फ्रूट्स और खीर बना के पूजा कर ली थी। और अभी बनाई मैं लंच में भी आज तो हमारा पूरा साथा बनता है, भेज प्योर भेज बनता है, प्याज लहसुन यूज नहीं होता है। ऐसे मिक्स करी दाल और एक फ्राई और राइस, बस इतना ही बना दी हूँ, हो गया है, बस खाना खाएंगे। और आज मुझे और भी एक काम, बड़ा सा काम करना है, बेटी का रूम का कबर्ड पूरा साइज करना है। उधर दोनों बच्चों का कपड़ा रहता है, दो कबर्ड है, तो वो पूरा ऐसे फैला के रखे क्योंकि अभी बारिश ना लगातार हो रहा है तो कपड़े इतना अच्छे से सूख नहीं रहा है। और मैं छत के ऊपर भी नहीं जाती हूँ क्योंकि जैसे छत के ऊपर जाकर देती हूँ कपड़ा, दो मतलब क्या, एक घंटा दो घंटा नहीं होता है फिर बारिश आ जाता है, तो मैं इतना ऊपर नीचे नहीं हो पाऊंगी करके मैं इधर मेरी जो बालकनी है यूटिलिटी वहां पे ही कपड़ा सुखाने के लिए दे देती हूँ। पर कपड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही सूखता है, तो एक एक लॉट बस वो जो बेड पे कल से परसों रात से कपड़ा पड़ा है और भी एक लॉट कपड़ा सूख रहा है, उसको पहले मैं फोल्ड करके कपड़ को अच्छे से साइज करूंगी खाना खाकर लंच के बाद, दोनों माँ बेटी मिलके करेंगे तो वही, इसलिए जल्दी जल्दी खाना भी तभी बन गया है। बस खाना खाना है, बेटी का भी अभी 10 मिनट पहले ही क्लास खत्म हो गया है उसका, भी वो खाना खा लेंगे अभी फिर करूंगी। और हाँ, ये चप्पल, आज ये चप्पल मैं यूज की थी भाभी के लिए, क्या बनाने के लिए, रायता बनाने के लिए, पुलाव के साथ देने के लिए, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कभी मैं बना के दिखाऊंगी सुबह सुबह, तो आज मैं कि फिर कल करूंगी तो मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, जैसे मैं सोची थी ना उससे ज्यादा ही कुछ अच्छा है ये। और अभी लंच निकालूंगी। और आज ना मैं थोड़ा इतना बड़ा बिंदी लगा दिया, बिंदी तो मैं हमेशा लगाती हूँ, सिंदूर कभी कभी लगाती हूँ, और जब भी मैं सिंदूर लगाने के लिए जाती हूँ ना मेरा हमेशा बड़ा ही हो जाता है, और इसलिए ना आज कुछ अजीब सा ही लग रहा है मेरा मुंह तो क्योंकि ये सिंदूर इतना छोटा सा लगाने के लिए जाती हूँ फिर टेढ़ा हो जाता है, इसको गोल करने के लिए जाती हूँ फिर इधर से टेढ़ा हो जाता है, ऐसे करते 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 मेरा हमेशा सिंदूर का ये जो बिंदी बड़ा ही हो जाता है, और एक बार सिंदूर लगा देते तो उसको हम पूछते नहीं, और इसलिए मुझे छोड़ो यार, छोड़ दो आज के दिन, ओके। और मेरा बेटा बेटी दोनों हंस रहे, मामा इतना बड़ा बिंदी क्यों लगाई हो, क्योंकि मैं छोटा ही लगाती हूँ, मतलब ठीक है, इतना ज्यादा ही खराब लग रहा है क्या पता नहीं, तो छोड़ो एनीवे, आज तो ऐसा ही रहेगा, जब मैं खुद ही निकलेगा या फिर फेस वॉश करूंगी शाम को तब तक रहेगा ऐसा ही शायद, अभी और नहीं करूंगी कुछ। मैं दिखा देती हूँ लास्ट में मैं क्या बनाई हूँ, इसका तो रेसिपी मैं दी थी करके और दी नहीं आज, तो आज जल्दी जल्दी बनाया खाना तो आज कुछ रेसिपी मैं शेयर नहीं की, सॉरी। और ये है बीन्स आलू का फ्राई, बस ये तो पूरा सादा ही बनाए, दोनों ही सादा ही बनाए। और यहाँ पे है मेरी चावल, चावल तो मैं कुकर में बनाती हूँ, कभी कभी हांडी में बनाती हूँ, नहीं तो ज्यादातर मैं कुकर में बना लेती हूँ। और दाल ऑलरेडी मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दी हूँ क्योंकि खाना खाना है। बाबू आ जाओ खाकर काम बहुत करना है, लाइट सब ऑन कर लेती हूँ, बाबू हाई करो, हाँ आ जाओ दे देती हूँ। और ये रहा मेरा दाल यहाँ पे रख दी, वो भी सामान लेकर आऊंगी फटाफट कर दूंगी। हाँ आ गई बाबू, मम्मू आ गई, चल चल खाना खा। आज बेडरूम में यहाँ पे खाना खाना है और मुझे आज बहुत सारा क्लीन करना है, वो कंप्यूटर तो आप कर क्या, कंप्यूटर में बैठा है, बस मैं इधर आज बिजी थी बहुत करके, कंप्यूटर में बैठ गया है वो, चल मामा खाना खा लेते हैं।
प्लेट धो के थोड़ा दे देता मुझे। फटाफट निकाल देते हैं खाना। ले माँ, दोनों जल्दी जल्दी काम करेंगे मिलकर, तब भी वो पूरा होगा वो कबर्ड का काम, नहीं तो भी फिर आज रह जाएगा वो। तो कितना भी आप साइज कर लो, 15 दिन में तो वो गंदा हो जाता है। मेरी कबर भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है, नहीं तो ये तीनों का, इन तीनों का कबर 10-15 दिन में ही उथल पुथल हो जाता है। बच्चे है करेंगे, मैं जैसे निकाल के रखती हूँ वैसे तो वो लोग नहीं रखेंगे। और वो लेकर देते मुझे चलिए कर लेते हैं लंच, और आप भी लीजिए लंच, खाइए। सादा लंच है पर अच्छा लगेगा शायद। दाल अब वहां पे जाकर दाल निकालूंगी। चलिए चलते टेबल के ऊपर और ये लाइट कर लेते ऑफ। अच्छा बाबू, आजा 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 बाबुल, उसको आज वहां पे खाना है। और अभी कर लेते हम लंच। मामो ना जा, इसे बेल्ला डाल दे, मामी बेल्ला डाल दे। अच्छे से पकड़ लेगा रंग वो डाल दे। और खाना खाने के बाद हम लोग मिलते हैं आपके साथ। और बाबू अभी सो गया है, अभी जाएंगे हम बेटी के रूम में साइज करेंगे। ये सो जाता है ना तो हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है, जल्दी जल्दी कर देंगे। तो ये रहता है तो इधर उधर का भागता रहेगा, फिर कंप्यूटर मोबाइल ऐसे पकड़ के बैठता है। तो चलिए अब चलते हैं वो रूम में। और ये रूम में भी ये बेडशीट मैंने डाल दी, कल जो लेकर आई थी डीमार्ट से। और ये बेटी बेटा दोनों बोले कि नीचे ब्लू पड़ेगा और ऊपर पिंक पड़ेगा, ठीक है। मैं सोच रही थी ये नीचे वो ये पिंक कलर डालेंगे, तो नहीं बोले नहीं ये मैं पिंक इसके साथ मैच हो रहा है, तो वो पिंक को ऊपर रख दिए और ये ब्लू को नीचे रख दिया। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाला मैट इधर डाले है, मैं भी यही सोच कर ही लेकर आई थी ये इधर ही डालेगा, तो ये इन लोग भी बोले इधर ही डालेंगे करके। चलो अच्छा है, कैसा लग रहा है ये बोलिए आप। और ये है मेरी सिस्टर जिसके बारे में मैं बोल रही थी, मेरी बेटी को लेकर के बैठी है। कभी मैं दिखाऊंगी एक हमारा फुल एल्बम शो करूंगी, फुल फैमिली का एल्बम में दिखाऊंगी मैके का। और वो मेरी बेटी और वो हमारा पूरा ग्रुप फोटो है, मेरे भाई है, पापा है, मेरी बहन है, मम्मी है, मैं हूँ, हबी है और मेरी बेटी है। बेटा तब नहीं हुआ था, दिखाऊंगी एक दिन, पूरा एल्बम शेयर करूंगी। ये है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बेडशीट। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेटी के रूम पे, हम दोनों ही आ गए बेटी और मैं क्लीन करने के लिए। उसको मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा टेबल को इसे साइड कर देंगे तो हमें आसान होगा दोनों कबर्ड को साइज करने के लिए। तो बस वही ही थोड़ा शिफ्ट कर रही टेबल को। वो मेरा बेटा का कबर्ड है,
और ये बेटी का, बेटा का तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत क्लीन रहता है, बेटी का भी रहता है, बस ऐसे बच्चों है तो इधर उधर करते रहते हैं। और मैं सारे कपड़ों के पहाड़ के बीच में बैठ गई हूँ, बैठ के सारा फोल्ड कर करके दूंगी तो मेरी बेटी रख देगी, वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करती है फोल्ड करने में कपड़े, उसको भी मैं थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ, अब सीखेंगे तो अच्छा, यही एज में ही सिखाना बच्चे को, उनका कपड़ा साइज करना, उनका बेड खुद साइज करना, उनका बुक सेल्फ साइज करना, मैं खुद सिखाती हूँ और उसके साथ मिलके करती हूँ। वो भी काफी हद तक सीख गई है, रख रही है अपना कपड़ा, खुद से ही रख रही है, मैं उसको बोल रही हूँ तू खुद ही रख। वो काफी अच्छे से रख रही है उसकी कपड़ा, अब मैं भी थोड़ा उसको हेल्प कर दूंगी, ऐसे छोटा वाला जीन्स सब रखने के लिए। वो बोल रहे हैं, वो ही हंस रही कि मम्मा तुम आ गई, मैं तो करने वाली थी, मैंने नहीं मैं भी तुझे हेल्प कर लूंगी थोड़ी। ऐसे लॉन्ग वाला फ्रॉक मैं हैंगर में रख लेती हूँ ताकि उसको भी इजी होता है, और ये फोल्ड करने से ना ज़्यादा ही स्पेस ले लेता है, इसलिए मैं बड़ा वाला जैसे उसका लॉन्ग फ्रॉक सारे में ऐसे उसको रखने के लिए बोल रही हूँ, और वो ऐसे ही रखती है, सारे फ्रॉक एक साइड रख लेती है। और वो छोटा सा एक वो अंदर एक सेल्फ है, उसके अंदर वो अपने पाउडर क्रीम जो भी यूज़ करती है, वो तो कम ही यूज़ करती है, फिर जितना यूज़ करती है वो उसके कवर्ड में ही रखती है। और ये ड्रामे में उसका क्लिप्स हेयर बैंड्स सब सारे चीज़ रख लेती हूँ, उसका हेयर ब्रश सब रख लेती हूँ एक कवर्ड में, एक ड्रामे। और यहाँ पे मैं मेरी बेटे का सारे अंडरवेयर को क्लीन करके फोल्ड करके ये बास्केट में रख लेती हूँ तो उसको इजी होता है, वो यहाँ पे पहनने के लिए उसको बहुत ईजी होगा, इसलिए एक बास्केट में मैं रख लेती हूँ सारा चीज़ उसका, छोटा छोटा है तो किधर किधर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे रख देंगे तो अच्छा से उसको दिख जाता है। अरे यहाँ पे मैं रख दिया सारे मेरे बेटा का कपड़ा,
फिर मैं आ गई फिर से फोल्ड करने के लिए। ये कपड़ा था कितना भी फोल्ड करके करके जा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है ख़त्म होने का। फाइनली थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया मेरा कपड़ा फोल्ड करने का काम, बस अब बेड को ही क्लीन करना है। बेटी लेके रख देगी, और मैं ये स्टडी टेबल बेटी का थोड़ा पूछ रही हूँ, ये भी थोड़ा गंदा तो नहीं पर एक दिन छोड़ दो तो डस्ट हो जाता है बस, थोड़ा ऊपर ऊपर पूछ लेती हूँ, कर रही तो ये भी कर लूँगी, वो खुद ही कर लेती है। मैं उसको अच्छे से एक डीप क्लीन करके दे देती हूँ तो उसको मेंटेन करती है वो 8-10 दिन, फिर मैं एक बार फिर से आकर उसके साथ मिलकर कर लेती हूँ। मैं महीने में 2 बार उसको रूम को उसके साथ मिलकर अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, तो उसको भी समझ में आ गया है क्या क्या किधर कहाँ रखना है, तो वो भी रख लेती है। और उसको बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट करने का बहुत पसंद है, और ड्राइंग भी वो बहुत अच्छे करती है, तो उसका घर में पूरा जगह पे वो कुछ ना कुछ करती रहती है उसको जब टाइम मिलता है तो। और ये है मेरी बेटी का कवर, अभी साइज हो गया फुल, यहाँ पे वो लॉन्ग ड्रेस रखती है, यहाँ पे जीन्स शॉर्ट्स अब उसका है। और यहाँ पे ड्रेल्यूज का ड्रेस रखती है वो। या फिर स्कूल यूनिफॉर्म, और नीचे तो उसका स्कूल बैग है, अभी कोई काम का नहीं है, जब यूज होगा तब निकालेगी, वो वहाँ पे ही रखती है इसलिए। और यहाँ पे उसका हेयर बैंड, क्लिप्स, सब कॉस्मेटिक का आइटम्स रखती है। और ये मेरा बेटा का कबर्ड, इसका तो लिमिटेड सामान है, बच्चा है बस, उसका एक बेबी क्रीम, कंपास, पेंसिल बॉक्स, और यहाँ पे उसका ड्रेस, सारे ड्रेस है, बस इतना ही, खाली खाली रखती हूँ मैं तो, सारे चीज़ मुझे खुला खुला ही पसंद है। और ये मेरी बेटी का आर्ट एंड क्राफ्ट की है, उसका कवर में वो लगाती है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ थोड़ी देर बाद। ये वाला बटरफ्लाई रेड कलर मुझे बहुत पसंद आया उसका, और अब भी वो रिसेंटली किया है वो वाला जो पिंक कलर ड्रेस पहन के खड़ी है वो लड़की, मुझे वो भी बहुत पसंद आया है। अब मैं सारे, थोड़ा बहुत गंदा हो गया है नीचे क्योंकि डस्टिंग किए हम लोग, तो मैं झाड़ू लगा दूंगी और वो बेडशीट चेंज कर लेगी दोनों मिलकर। बस हो गया उसका रूम एक डीप क्लीन। बेटी का आप पूरा रूम क्लीन कर दिया मैं, हमने मिलकर बेटी और मैंने, उसका स्टडी टेबल दोनों का कबर्ड खाली कर दिया, 1 घंटा लगा हमें, अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है, अब
थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे भी सुबह से उठ गई तो थोड़ा नींद आ रहा है मुझे, थोड़ी देर सो लूंगी। और यहाँ पे है बेबू, मामून, त्रिशा, तो वो भी, उसका भी काम खत्म है तो वो भी थोड़ी देर रेस्ट करेगी, थोड़ा से उसका टाइम पास करेगी। और आज ये बाला बिंदी, ये सिंदूर कितना बड़ा लग गया। मामा कैसा लग रहा है? ये ना, वो सुबह सोच रहे मम्मा कुछ चेंज लग रहा है तुम्हारा फेस। तो मैं उसको 4-5 बार पूछ रही हूँ, वो सेम आंसर है। मैं सोचा आंसर थोड़ा अलग देगा, नहीं मम्मा सेम ही लग रहे हो। ऐसा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। हो गया, थोड़ी देर के बाद इसको भी वॉश कर लूंगी, अभी लगाई हूँ तो थोड़ा अच्छा लग। ओके, कौन आया है? एक मिनट, कोई आया है? अब 4 o'clock होने को जा रहा है, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी, आधा घंटा 15 मिनट भी रेस्ट कर लूंगी तो हो जाएगा, थोड़ा फ्रेश लगेगा मुझे, क्योंकि मैं आज काफी सुबह से भी उठ गई हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा ऐसे लग रहा है, नींद नहीं लग रहा है। और जब मैं सो जाऊंगी तो ये सब उतर जाएगा शायद, तब भी मैं वो फेस को क्लीन कर लूंगी अच्छे से। फिर इवनिंग को हम भी आएंगे, चाय फाय पियेंगे। और तो चलिए फिर चलते हैं, आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करूँ या अंदर जाकर एंड कर? बेटा अभी सो रहा है, वो तो अभी और 1 घंटा सोएगा, वो 5-5:30 बजे उठता है, 2:30 बजे सोता है। और आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।